स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद रवि पे। तो आज हम देखने वाले हैं 17 अक्टूबर का करेंट अफेयर। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने करेंट अफेयर के साथ। तो देखिए, पहला करेंट अफेयर आपका है जो आप देख रहे होंगे कि ग्रो नॉरिस एंड सस्टेन टुगेदर आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। ग्रो नॉरिस सस्टेन टुगेदर आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। कह रहा है कि बढ़ें, नॉरिस करें, सस्टेन करें साथ में, तो जो हमारा जो एक्शन है वो हमारा भविष्य होगा। ये 16 अक्टूबर को मनाए गए दिवस किस दिवस का थीम है? ये कौन सा दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया उसका थीम है? तो आपके पास ऑप्शन है विश्व विद्यार्थी दिवस, विश्व खाद्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस और नन में। तो आपका इसका उत्तर आना चाहिए। इसका उत्तर देखिए, अगर आप लोग देखिएगा इसका उत्तर तो मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, तो विश्व विद्यार्थी दिवस की बात करें, मैंने बताया था कि एपीजे अब्दुल कलाम के में बनाया जाता है। ये इसका डेट क्या था? इसका डेट था 15 अक्टूबर। ओके, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय देखिए कल का जो मैंने बताया था उसमें यहाँ पे ग्रामीण मिस्टेक हो गया था, मैंने ग्रामीण वहां पर टाइप नहीं हो पाया था, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में बता दिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की बात करेगा ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 16 अक्टूबर की बात कर रहा है, इसमें 16 अक्टूबर को केवल एक ही मनाया गया था, विश्व खाद्य दिवस। हमने बताया था कि विश्व खाद्य दिवस जो कि मनाया जाता है, और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय कहाँ है भाई? रोम। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम है, इटली में। हमने बताया था कि ये इसके 75वीं गांठ पर नरेंद्र मोदी द्वारा 75 रुपये का सिक्का जारी किया, स्मारक सिक्का जारी किया गया। मैंने कल ही बताया था इसके बारे में, स्मारक सिक्का जारी किया गया। ठीक है, यहां तक कि आपका क्लियर होगा। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी, वायरोलॉजी क्या होता है? जिसमें कि विषाणुओं का अध्ययन किया था, वायरसों का स्टडी किया था, उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। तो अगर पहले चरण फर्स्ट फेज का संचालन कौन से राज्य में स्टार्टिंग हुआ? केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, MP। तो इस सवाल का उत्तर है केरला में स्टार्ट किया गया। तो केरला में स्टार्ट किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी का फर्स्ट फेज, जिसके अंदर जितने भी वायरस से जितनी बीमारी होते हैं, जैसे कि आप देखें कोरोना वायरस, COVID-19 बीमारी हो गया, आप देखते हैं इबोला वायरस। तो केरल में बहुत ज्यादा, आप समझते हैं ज्यादातर वायरस केरल से ही स्टार्टिंग होता है, केरल को ही लपेटता है पहले। तो इसलिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ये जो पहला चरण स्टार्ट कर दिया गया संचालन इसका, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी का। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट किया गया है, ये हमारा स्टार्ट किया गया है लाइफ साइंस पार्क। ये लाइफ साइंस पार्क है, ठीक है, लाइफ साइंस पार्क है जो कि थोनक्कल है, थोनक्कल केरल, केरल के थोनक्कल में, जो कि तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। ये तिरुवनंतपुरम, ये त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम में थोनक्कल एक जगह है, वहां एक लाइफ साइंस पार्क है। ठीक है, एक एरिया है, उसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस बायोलॉजी का फर्स्ट फेज स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो हम अगर केरला के CM की बात करेंगे तो पिनारई विजयन, ये आपको पता होगा, केरल का CM मैंने कल ही बताया पिनारई विजयन है। और यहाँ के गवर्नर की बात करेंगे तो आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान, मैंने कल ही बताया था। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की CM का, तो पलानी स्वामी, मैंने बताया था कल ही पलानी स्वामी। आप लोगों को, तो आप लोग, मैंने बताया कि हर जगह का गवर्नर और CM आपको याद रखना, तो पलानी स्वामी था। और अगर इसकी बात करेंगे तो हमने बताया था बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, बनवारी लाल पुरोहित, थिरु बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। MP तो पता है शिवराज सिंह चौहान है यहाँ के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की गवर्नर की बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल, यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और यूपी की गवर्नर भी आनंदीबेन पटेल, ये आपको याद होगा। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ के गवर्नर की बात करते पहले तो भगत सिंह कोश्यारी है, भगत सिंह कोश्यारी है। अगर बात करेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री के तो उद्धव ठाकरे हैं, ये पता होगा उद्धव ठाकरे। मैंने, और देखिए भगत सिंह कोश्यारी तो महाराष्ट्र के हैं ही, साथ ही साथ गोवा के भी ये राज्यपाल है, भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ तक आपका क्लियर, आगे चलते।
ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क कहाँ मुख्यालय स्थित कहाँ है? ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, जो इसका काम है जो टीआरपी आप देखते हैं रेटिंग करना होता है, जो न्यूज चैनलों को रेटिंग करना होता है, टेलीविजन चैनलों को रेटिंग करना होता है, ये काम इसी का। तो इसका मुख्यालय तो आप समझ सकते हैं कहाँ हो सकता है, ये इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में नहीं तो मुंबई में। कहाँ है भाई? मुंबई में इसका मुख्यालय है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल वार का मुख्यालय कहाँ है तो आपका मुंबई में। कहाँ है भाई इसका? मुंबई में। आगे चलते हैं, बोलते टीम कैशलेस इंडिया कंपेगन। टीम कैशलेस ये एक कंपेगन एक अभियान है। टीम कैशलेस इंडिया कंपेगन एक अभियान है, बोला कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फोन पे द्वारा, पेटीएम द्वारा, मास्टर कार्ड वाले। ये स्टार्ट किया गया भाई मास्टर कार्ड द्वारा। देखते होंगे कि पहले हमारे एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, ये मास्टर कार्ड का प्रचार बहुत करते थे, एड बहुत देते थे। तो ये उसमें ब्रांड एम्बेसडर थे, क्योंकि मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था। तो इस तरह से मास्टर कार्ड एक अमेरिकी कंपनी है। आप देखते होंगे बहुत सारे आपका जो भी एटीएम कार्ड होता है या डेबिट कार्ड होता है, तो एटीएम कार्ड और या तो फिर आप क्रेडिट कार्ड देखते हो तो उस पर आपको मास्टर कार्ड यहाँ पे लिखा रहता है। तो यही मास्टर कार्ड द्वारा टीम कैशलेस इंडिया कंपेगन लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया है? कि भारत के अंदर जो कैशलेस ट्रांजेक्शन हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो, इसको और अच्छा बनाया जाए, इसमें और ज्यादा ट्रांजेक्शन हो, इसलिए बोला गया है कि इसका टीम कैशलेस इंडिया कंपेगन का अभियान लॉन्च किया गया है, ये हमारे मास्टर कार्ड कंपनी द्वारा। ये आप ध्यान रखें, ठीक है, मास्टर कार्ड कंपनी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, मतलब कौन सा राज्य दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर, ये जिंक स्मेल्टर हो गया, जिंक का फॉर्मूला, जिंक का अगर संकेत देखते हैं जेडन होता है, तो बोला कौन सा जो जिंक को स्मेल्टिंग करने वाला, जिंक को गलाने वाला, मतलब कहने वाला, जो उसको विकसित करने वाले सबसे बड़ी बड़ी स्मेल्टर विकसित करने वाले, बड़ी सबसे बड़ी फैक्ट्री की बात करें, पूरी दुनिया के सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर बनाने जा रहा है, वो कौन सा राज्य? केरल, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। अगर बात करेंगे इसकी तो गुजरात है, गुजरात का राजधानी गांधीनगर। यहाँ के अगर हम बात करते हैं, यहाँ के अगर राज्य मुख्यमंत्री की बात करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो विजय रूपानी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, विजय रूपानी। यहाँ के राज्यपाल की बात करते हैं तो आचार्य आचार्य देवव्रत, देवव्रत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर गोवा की बात करेंगे तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन हो गए? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत पता है कि आपको, हाल में बने प्रमोद सावंत। और प्रमोद सावंत यहाँ के राज्यपाल की बात अभी मैंने बताया, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह, ये आपको ध्यान रखना, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। केरल का तो पता है कि आपको पिनेरी विजयन है, आपके यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है। क्लियर है? महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी। क्लियर? ये सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर बनाने जा रही है, सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर विकसित करने जा रही है। देखिए जितने भी करेंट अफेयर, उस तरह करेंट अफेयर को मैं करवा रहा हूँ जो आप एग्जाम में आ सकते हैं, आप एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैं फालतू करेंट अफेयर को नहीं बता रहा हूँ, पूरे दिन में, पूरे एक दिन 24 घंटे में हार्डली सार्डली आपके एग्जाम के लिए 2 से 3 करेंट अफेयर ही बनता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे बहुत से यूट्यूब चैनलों पर 20 करेंट अफेयर, 15 करेंट अफेयर, पिछले करेंट अफेयर को भी ले जाते हैं, बहुत पुराने पुराने करेंट अफेयर बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। आप एक ही चीज को बार बार देखिए, ये फायदा है आपके लिए। अगर 5 ही करेंट अफेयर, तो 5 ही करेंट अफेयर को अगर बार बार देखते हैं तो आपका 5 करेंट अफेयर दिमाग में छप जाएगा इस तरह से आपको। और जब मैं पूरा एक मंथ होगा तो मंथ वाइज मैं करेंट अफेयर बनाऊंगा पीडीएफ के साथ, 100 टॉप 100 या टॉप 150, ऐसा करके मैं करेंट अफेयर बनाऊंगा, टॉप 100 करेंट अफेयर ऑफ अक्टूबर सितंबर, इस तरह से मैं बनाऊंगा। तो वो टॉप 100 करेंट अफेयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और उसी सवाल ज्यादातर उसी सवाल पूछे ही जाएंगे। ओके, बोला कि कौन से देश की नेवी को INS सिंधुवीर पनडुब्बी दिया? भारत सरकार है जो अपना एक पनडुब्बी था INS सिंधुवीर, इस पनडुब्बी का नाम था INS सिंधुवीर। देखिए पनडुब्बी है, पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलता है, ठीक है, पानी के अंदर चलता है, ये युद्ध में भी, युद्ध में इसका काम लेते हैं नेवी लोग, ठीक है, युद्ध में काम लेते हैं। ये देखिए हमारा पनडुब्बी है जो पानी के अंदर चलता है, पानी में डूब के आधा पानी में आधा ऊपर भी, कभी कभी पूरे पानी के अंदर चलता है, ये हमारा पनडुब्बी होता है, ठीक है। तो ये पनडुब्बी था INS सिंधुवीर, इसको किसी देश को देने जा रहा है, ये भाड़े पे समझ लीजिए या पट्टे पे समझ लीजिए, लीज पे दे जा रहा है। तो कौन से देश को? तो उत्तर होगा म्यांमार। तो म्यांमार की राजधानी की बात करेंगे तो नेपिया, नेपिया दा है इसके म्यांमार की राजधानी, ठीक है, म्यांमार की राजधानी है नेपिया दा। इंडोनेशिया की राजधानी है जाकर्ता, जाकर्ता। बांग्लादेश का पता है ढाका। श्रीलंका का राजधानी है श्री जय वर्धने पूरा, श्री जयवर्धन, जयवर्धन पूरा कोट्टी, ठीक है।
श्री जयवर्धने पूरा कोटे, पहले राजधानी कोलंबो थी लेकिन अब राजधानी हो गई है श्री जयवर्धने पूरा कोटे। और श्रीलंका के अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो हमारा देखिए श्रीलंका में अगर देखिए बात करते हैं तो ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे के प्रधानमंत्री है, ठीक है। दोनों भाई हैं गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे, गोटाबाया और महिंदा राजपक्षे, ये दोनों भाई हैं, एक राष्ट्रपति है एक प्रधानमंत्री है जो श्रीलंका के, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। बांग्लादेश की पीएम की बात करें शेख हसीना है। इंडोनेशिया के पीएम की बात, इंडोनेशिया में सरकार की बात करें, पीएम की बात करें तो जोको विडोडो है। इस तरह से ज्यादातर आपको याद नहीं रखने, सबका पीएम और सीएम याद नहीं रखना, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जहां जिस देश के साथ भारत का संबंध है उसको बस याद रखना है जो आपके करेंट अफेयर में आ सकते हैं। बोला कि भारत की पहली ऑस्कर भी था, देखिए ऑस्कर एक अवार्ड दिया जाता है फिल्म संगीत इस क्षेत्र में हर साल दिया जाता है, तो बोला गया कि पहली ऑस्कर भी था भारत के लिए। पहली बार जो ऑस्कर लाई थी वो कौन सी लाई थी, वो बेता फैशन डिजाइनर थी, उनका निधन हो गया, उनका नाम था भानु अथैया, उनका निधन हो गया, वो कहाँ से थी, तो महाराष्ट्र की थी वो, ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाला थी। और इसने मूवी जो गांधी मूवी है, गांधी मूवी, इसका जो फैशन जो कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी, इसका जो क्या वेशभूषा होगा, कौन सा कपड़ा कौन पहने, गांधी क्या कपड़ा ये डिजाइन की थी, तो कोल्हापुर की रहने वाली थी, महाराष्ट्र की रहने वाली थी, भानु अथैया नाम इनका, ये फैशन डिजाइनर थी, इनका निधन हो गया हाल में। ये पहली ऑस्कर विजेता है, ये सबसे पहली बार जो ऑस्कर भारत के लाई है यही लाई है फैशन डिजाइनर के क्षेत्र में, और ये महाराष्ट्र के थी। ओके आगे चलते, बोला कि आसन वेस्टलैंड किस राज्य का पहला भारत का 38वां रामस्थल बन गया। रामसर स्थल की बात करेंगे, ये आसन जगह का नाम है, वेटलैंड मतलब हो गया जो आर्द्र भूमि का क्षेत्र हो। आर्द्र भूमि की बात करेंगे तो झील उलू सब आर्द्र भूमि के अंदर में आता है, और अगर बात करेंगे तो जो जहां पर दलदल हो ये भी आर्द्र भूमि के अंदर आएगा, दलदल हो आर्द्र ये सब हमारे आ जाएंगे। तो ये जो हमारे दलदली जो इलाके होते हैं, दलदली जो क्षेत्र होते हैं, आर्द्र भूमि के क्षेत्र होते हैं, उसको वेटलैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये भींगे क्षेत्र एक तरह से वेटलैंड होते हैं। तो एक बार 1971 में रामसर में, रामसर ईरान में ये जगह, ठीक है, रामसर समझौता हुआ, रामसर कन्वेंशन बोलते हैं, रामसर समझौता हुआ जो कि कहाँ हुआ भाई, ईरान में, कहाँ हुआ है भाई, ईरान में। तो इसमें ये बोला गया कि जो भी वेटलैंड होंगे, जो आर्द्र भूमि होंगे, उसके संरक्षण के लिए बात की गई कि उसको बचाव किया जाए। तो इस तरह से मतलब अभी तक के भारत में 38 ऐसे साइट बन चुके हैं, रामसर साइट बन चुके हैं, जिनको दर्जा मिल चुका है, रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है, उनको संरक्षण प्राप्त है, रामसर समझौते के तहत उनको संरक्षण प्राप्त है। तो इस तरह से हम बात करें जो आसन वेटलैंड ये उत्तराखंड का है, और उत्तराखंड का पहला बना है और भारत का 38वां नंबर पे बना है। तो सवाल यहां से भी आ सकते हैं कि भारत का पहला कौन बना था, तो चिलका झील बना था। भारत का पहला क्या बना था भैया, चिलका झील, जो खारे पानी की झील है, चिलका झील मैंने बताया हुआ, जो कि उड़ीसा में स्थित है, और ये चिलका झील है जो 1981 में मिला था इसको, रामसर समझौता था, ठीक है, 1981 में चिलका झील को रामसर स्थल, पहला रामसर स्थल बना था भारत का, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम और देखते हैं कि भारत के और कौन कौन से स्थल हैं, इसकी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ओके तो देखिए अगर बात करेंगे हम देखिए इसकी अगर हम बात करेंगे तो चिलका झील हमारा कितना 1971 में मिला था, ये पहला मिला। अगर हम बात करेंगे भोज, ये भी राम स्थल है, भोज कहाँ है तो एमपी में है, ये ध्यान रखिए कौन कौन से स्थल कहाँ है, भोज एमपी में है। डिपोर बात करेंगे, डिपोर कहाँ है तो आसाम में है। ये पूछता है कि ये रामसर स्थल कहाँ है, डिपोर कहाँ भाई है, आसाम में है। केवला देव कहाँ है, केवला देव राजस्थान में है, केवला देव कहाँ हमारा राजस्थान में, सब रामसर स्थल, ये ध्यान रखिएगा। लोकटक झील की अब बात करेंगे, लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, ये भी रामसर स्थल है। ओके लोकटक झील जो मणिपुर में है ये भी रामसर स्थल है। हम बात करें रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, ये भी रामसर स्थल है। अगर हम बात करेंगे बेम्बनाथ झील, बेम्बनाथ झील, ये बेम्बनाथ झील है, ये झील केरल की है, ये भी रामसर स्थल। और भी है जो महत्वपूर्ण थे मैंने वो बता दिया, आप एक बार गूगल करिएगा कि रामस्थल साइट्स ऑफ इंडिया, तो आपको सारे 38वां रामस्थल साइट आ जाएगा। तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है जो मैंने बता दिया है, और भी आपको मन है तो आप भी और देख सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आपको मैं करेंट अफेयर जो भी करवा रहा हूँ आप सबके लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर करवा रहा हूँ, जहां तक आपको जरूरत पड़े मैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है। रामसर साइट के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं साइंस एमसीक्यू। देखिए साइंस एमसीक्यू ये 5 से 10 मिनट का वीडियो से में चलेगा, पूरे करेंट अफेयर के अंदर चलेगा। साइंस का 5 एमसीक्यू रहेगा, 5 से 6 एमसीक्यू रहेगा, उसको हम चर्चा करेंगे, तो आपका इससे कि साइंस का ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, तो आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें आपका ये काम करेगा। और जब मानव हृदय में वाम नीले से कुड़ता है, बोला है कि जब कह रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल, जब उसका जो लेफ्ट एक राइट वेंट्रिकल होता है एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ जाता है तो रक्त किसकी तरफ प्रभावित होता है, किसके तरफ जाता है? इसका उत्तर होगा महाधमनी जो अरोटा है उसके तरफ जो रक्त का प्रवाह होता है। तो देखिए इसको अगर देखते हैं तो देखिए ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ये जो बोल रहा है ना कि जब ये जो इधर वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है तो ये जो है ना ये जो ब्लड इधर से होके ये अरोटा में जाते हैं। कहाँ जाता है भाई? अरोटा में। तो ब्लड कहाँ जाता है? ये अरोटा में जाता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तब। जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तब। आपका क्लियर हो गया? ओके चलिए आपका क्लियर हो गया, मैं आगे चलता हूँ। बोला कि रक्त वाहिकाओं में ब्लड विजल्स होते हैं। ब्लड विजल्स क्या होते हैं? एक पाइप की तरह होते हैं। देखिए पाइप की तरह होते हैं, ओके ये पाइप की तरह होते हैं, इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है। तो बोला कि जो इसके अंदर रक्त का थक्का क्यों नियमता, अगर देखते हैं आपका हाथ पैर ऐसा कुछ कहीं कट चढ़ जाता है तो बाहर खून निकलता है, उसके बाद खून क्या होता है? जम जाता, खून जम जाता। तो ये तो अंदर भी हो सकता है, तो रक्त का थक्का हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्यों नहीं जमता? तो उसका एक जिम्मेदार हिपेरिन नामक का एक एंटी कोलेजन है। ये हिपेरिन नामक का एक एंटी कोलेजन है जो कि रक्त को थक्का को अंदर में क्लॉट नहीं होने देता, क्लॉट में क्या तो जमने नहीं देता है, रक्त का थक्का नहीं बन देता है, ये हिपेरिन। क्या उत्तर होगा? हिपेरिन जो है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल के अंदर इसकी उपस्थिति कारण के रक्त का थक्का नहीं जम पाता। थ्रोम्बिन का बात करेंगे तो थ्रोम्बिन है जो ये हमारे ब्लड के ये ब्लड को हमें थक्का बनाने में हेल्पफुल है। फिब्रिनोजन और जो हमारा थ्रोम्बिन है ये रक्त का थक्का बनाने के लिए हेल्पफुल है। जब हमारा कटता छटता है तो थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन की उपस्थिति में ही हमारा जो खून जो हमारा देखते हैं जम जाता है, ये खून ही हमारा थक्का जमता है इसकी उपस्थिति में। अगर हम बात करेंगे विटामिन के भी एक रिस्पॉन्सिबल है। अगर विटामिन के आपके शरीर में कम गया, विटामिन के आपका शरीर में कम गया तो अब जब आपका हाथ कटेगा तो खून निकलते रहेगा, जम ही नहीं पाएगा, तो ये विटामिन के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लियर, आगे चलते हैं। बोला कि किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाला रक्त वाहिका कौन सा? बोला जो किडनी है, किडनी में जो रक्त की आपूर्ति करता है वो कौन करता है? तो जो किडनी हम देख रहे हैं उसमें जो रक्त की जो आपूर्ति करता है वो वाहिका कौन सी, वो वेसल्स कौन सा? तो हमारा रेनल आर्टरी, उसको क्या बोलते हैं भैया? रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी है जो किडनी में ब्लड का आपूर्ति करता है, फ्लो करता है, ये रेनल आर्टरी का काम है, ये रेनल आर्टरी का काम है। चलिए कह रहा कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो ग्लाइकोज को, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोज के रूप में, देखिए हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो बोल रहा है कि ये कौन सा जो अंग है वो ग्लाइकोज में ग्लाइकोज के रूप में स्टोर रखता है। तो आपका उत्तर होगा भाई लीवर। लीवर ऐसा अंग है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोज के रूप में अपने पास संग्रहित करके रखता है, अपने पास संग्रहित करके रखता है लीवर, समझे? ये आपका क्लियर। पैनक्रियाज की बात करेंगे तो पैनक्रियाज एक तरह का ये अग्नाशय है, एक तरह का ये हमारा पैनक्रियाज, यहाँ से हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन मतलब हमारा जो हार्मोन है वो निकलता है। स्टोमे के पता आपको पता होगा, इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है आगे चलते हैं। और हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसके अंदर में है? ये रेड ब्लड सेल, लाल रक्त की कोशिकाएं हैं उसके अंदर होता है। और लाल रक्त की कोशिकाएं को एक और नाम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट से बोलते हैं लाल रक्त की कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं भैया? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। श्वेत रक्त की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं भैया? ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट और एरिथ्रोसाइट आरबीसी को। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ल्यूकोसाइट का जीवन काल 15 से 20 दिन तक, मतलब जो श्वेत रक्त की कोशिकाएं हैं ये 15 से 20 दिन तक जिंदा रहेगी और आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है, फिर बाद में फिर नया बनते फिर जिंदा रहती है, 120 दिन जिंदा रहती है। और आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसलिए ये आरबीसी का कलर रेड होता है
और आरबीसी में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का प्रभाव करता है, ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर इधर से इधर जो ले आता है, ये काम है हमारा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा भाई रेड ब्लड सेल। प्लेटलेट्स क्या होता है भैया? तो प्लेटलेट्स होता है, ये भी हमारे ब्लड का भाग है, और प्लेटलेट्स की कमी जब होगा तब वो डेंगू जब काटता है मच्छर, तो प्लेटलेट्स का जो संख्या है वो संख्या कमने लगता है। ठीक है, ओके, आगे हम सब देखेंगे। तो आज का हमारा यहीं तक रहेगा हमारा। तो देखिए हम रोज करेंट अफेयर करेंगे, 6 से 7 करेंट अफेयर करेंगे, 6 से 7 करेंट अफेयर करेंगे, जो भी हमारा महत्वपूर्ण करेंट हो गया अफेयर होगा, और 6 से 7 हमारा ये साइंस का सवाल चलेगा। ठीक है, ये आपको अच्छा लगेगा, ये आपको जब कभी बायोलॉजी का सवाल उठा लेंगे, कभी फिजिक्स का सवाल उठा लेंगे, इस तरह से आपका जितना जितना दिन करेंट अफेयर चलेगा उतने आपको साइंस के सवाल भी याद होंगे, साइंस के सवाल भी याद होंगे, साथ में कंसेप्ट भी याद होंगे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके क्लास से बहुत महत्वपूर्ण है हमारा ये करेंट अफेयर क्लास से ज्यादा महत्वपूर्ण साइंस के क्लास से, क्योंकि आजकल एग्जाम में साइंस वाले सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, एनटीपीसी की बात कर लेंगे, रेलवे की जो भी सवाल, उसमें एग्जाम में ज्यादातर साइंस बहुत ज्यादा डालने लगा। अब तो हमारा जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, जो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स जो, इसे बहुत कम पूछने लगा। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन, तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त किया जाए। धन्यवाद।